हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पे चल रही है। कर्मचारी चयन आयोग में हमीरपुर में पेपर लीक के मामले लगातार सामने आने पे हमने आयोग को भंग किया और दोषियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और जल्द ही हमीरपुर में स्थित राज्य चयन आयोग पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। हिमाचल सरकार ने ऊपर और नीचे का अंतर मिटाते हुए सब और नींबू प्रजाति को एक समान रेट में वृद्धि की है। और इस दृश्य के अंदाज में हमारे युवा साथी एनसीसी का ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एक ये दल देहरादून हवाई मंच से गुजरता हुआ। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पे चल रही है। कर्मचारी चयन आयोग में हमीरपुर में पेपर लीक के मामले लगातार सामने आने पे हमने आयोग को भंग किया और दोषियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं। हम आपको ये भरोसा देना चाहते हैं कि चयन प्रक्रिया के लिए हमने जो राज्य चयन आयोग बनाया है उसको बहुत जल्दी पूरी तरह फंक्शनल कर दिया जाएगा। करता हूं जिन्होंने दान देकर इस कोष में 252 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई। भाई और बहनों, विधानसभा चुनावों के समय जो वायदे हमने किए थे उन्हें हम पूरा करने के लिए पूरी तरह गंभीर हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की गारंटी हमने दी थी और हमने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों से किया गया ये वायदा पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में निभाया और 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में हम लेके आए और प्रदेश के कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा हमारी सरकार ने देते हुए एक क्रांतिकारी कदम उठाया। राज्यसभा क्षेत्र में लगातार ये बात कही जाती थी कि जमीनों के मामले लोगों के सालों साल रुके रहते हैं। हमने एक कैंपेन के तहत इस काम को किया। इससे पहले उन्होंने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। इस भव्य परेड में हिमाचल प्रदेश पुलिस के अलावा होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट एंड गाइड्स की टुकड़ियों के अलावा विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। और ये हेम अकेडमी का कॉलेज स्कूल का यहाँ प्लाटोन पॉइंट से गुजरता हुआ, इसके ठीक पीछे एनसीसी बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल का यहाँ पार्किंग दस्ता पॉइंट मंच से गुजरता हुआ लीड कर रहे हैं अंशुल शर्मा। इसके बाद गुरुकुल पब्लिक स्कूल हमीरपुर का यहाँ पार्किंग दस्ता अरिंदम ठाकुर के नेतृत्व में पॉइंट मंच से गुजरता हुआ लंबे मंथन के बाद, लंबे विचार विमर्श के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय इसलिए लिया कि
26 जनवरी की उस ऐतिहासिक तारीख के रूप में उपस्थित है हिमाचल प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मुकेश।